मेघा, आपको सक्सेस स्पीक्स प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आरएस 2018 के एग्जामिनेशन में 68th रैंक प्राप्त कर लिया है। थैंक यू सो मच सर। इट्स प्राउड मोमेंट फॉर यू, योर फैमिली एंड ऑल्सो फॉर चाणक्या, क्योंकि चाणक्या में आपने एक लंबा समय एक प्रिपरेशन करके अपने इस चीज को हासिल भी किया है, तो वी आर ऑल्सो प्राउड ऑफ यू मेगा। ये सक्सेस की आदमी हर इंसान ड्रीम देखता है, लेकिन जब पाता है इंसान तो एक अलग से फीलिंग आती है। वो फीलिंग क्या आजकल जब आपका सिलेक्शन हो गया और आप एक अच्छी पोजीशन में जा रही हैं? सर पहले एग्जाम जब देते थे तब सोचते थे कि टॉपर्स किस तरह पढ़ते हैं, कैसे बच्चे टॉपर्स बनते हैं, कुछ आइडिया नहीं लगता था। लेकिन अभी जब रिजल्ट आया तो इतनी खुशी हुई कि टॉपर्स की बताए हुए रास्ते पर हम चले और उसके बाद मेरी भी अच्छी रैंक आई, तो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट है मेरी पूरी फैमिली के लिए। एक बहुत ही सब प्राउड फील कर रहे हैं, तो ये आज से पहले कभी फील नहीं हुआ सर। ये बहुत अच्छा मोमेंट है पूरी लाइफ का। आपने कहा टॉपर्स को हम सुनते थे देखते थे, तो उसमें राजस्थान माने आरएस टॉपर्स एंड यूपीएससी दोनों टॉपर्स को आप सुनते होंगे देखते होंगे, करेक्ट? यस सर, यस सर। तो इसके अब ये आप थोड़े अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपके कहाँ के रहने वाली हैं, आपके पेरेंट्स क्या हैं, फैमिली में कौन लोग हैं? सर मैं अलवर जिले के गोविंदगढ़ टाउन की रहने वाली हूँ। मेरे घर में 5 लोग हैं, मम्मी पापा मैं, मुझसे बड़ी बहन है और छोटा भाई है। मम्मा हाउसवाइफ हैं, पापा का बिजनेस है और मेरी बड़ी बहन सॉफ्टवेयर डेवलपर है और मेरा छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है। ओके, एंड फादर का बिजनेस है अपने? सर कॉटन मिल है। ओके, कॉटन मिल है, गुड। तो आप ये बताएं कि और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, मेरा कहां से पढ़ाई की, क्या किया आपने? सर मैंने 10th 12th अपने टाउन से ही की, गोविंदगढ़ से। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, अलवर में आईटी कॉलेज से, और उसके बाद मैंने आरएएस के लिए तैयारी करना शुरू किया। बहुत ही बढ़िया। तो आप ये बताइए कि आपके यहाँ तो चूंकि बिजनेस बैकग्राउंड है, फादर ऑलरेडी एक अच्छा खासा कारोबार में है, है ना? तो ये आइडिया कि हम आरएएस में जाएं, एडमिनिस्ट्रेटर बने, कहाँ से आया, ये किसके दिमाग में पहले बात आई? सर सबसे पहले ये बात मेरे पापा के माइंड में आई। वो हमेशा चाहते थे कि, क्योंकि सर हम यहाँ जिस बैकग्राउंड से हैं, हम जिस टाउन से हैं, वहाँ लड़कियों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं करियर वाइज, उनको जॉब करने के लिए कोई सोचता नहीं है। तो पापा हमेशा चाहते थे कि मैं अपनी बेटियों को एक एग्जाम्पल की तरह पूरे टाउन में सेट करूँ, पूरे अवसर देकर इनको अच्छे मुकाम पर पहुँचाऊँ। तो ये सबसे पहले मेरे पापा के ही दिमाग में आया कि तुम्हें प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयारी करनी चाहिए। वेरी गुड। और जो आपके रैंक के हिसाब से आरपीएस मतलब पुलिस सर्विस मिलने के चांसेस हैं आपको, तो क्या फादर जो है इसके लिए खुश हैं कि भाई हम तो चाहते थे कि ये आरएस में जाए, एसडीएम बने, लेकिन अब तो डीएसपी बनने जा रही है, तो आपको कैसी फीलिंग है उसके बारे में? सर फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी एसडीएम में ही थी, लेकिन मैं इससे भी बहुत खुश हूँ। मैंने पहले प्रयास में 68वीं रैंक पाई है, तो सब बहुत खुश हैं। वो भी मिलता तो भी हम सब खुश होते, लेकिन इस रैंक से भी हम पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं और किसी के मन में कोई गिला शिकवा नहीं है, हम सब खुश हैं। ये बहुत अच्छा रैंक है, पुलिस सर्विस भी और वर्दी सर्विस है लड़कियों के लिए, तो और अच्छी स्ट्रॉन्ग अब रहेंगी। बिल्कुल सर। मेगा एक जो ने कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन, कि कैसे स्टार्ट करें प्रिपरेशन को, आपको आइडिया है, देन हाउ यू बिगिन जर्नी से स्पेशली सिविल सर्विस आरएएस की तैयारी आपने कैसे शुरू करी? सर इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं था ह्यूमैनिटीज का, और मेरे लिए सारे सब्जेक्ट्स एकदम नए थे। तो शुरू में बहुत प्रॉब्लम होती है कि हमें पता नहीं होता किस तरह से पढ़ना है, सिलेबस भी हमें पूरी तरह पता नहीं होता ठीक से। तो मैं सब कुछ पढ़ लेती थी पहले, जो भी क्लास में पढ़ाया जाता था, बुक्स में जो कुछ मिलता था तो सब कुछ पढ़ लेती थी, क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है वो समझ में भी नहीं आता था। लेकिन जैसे ही 1-2 महीने निकलते गए, वैसे वैसे टीचर्स ने गाइड किया और हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखे, तो कुछ आइडिया लगने लगा कि नहीं इस वे में हमें चलना है और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। टीचर्स का बहुत सपोर्ट मिला, तो फिर धीरे धीरे दिशा मिलती गई और फिर धीरे धीरे तैयारी आगे बढ़ी। आपने अभी टीचर्स की चर्चा की और सेंटर की चर्चा की, क्योंकि आप चाणक्य एकेडमी के जयपुर सेंटर के स्टूडेंट है, कौन से बैच में ज्वाइन किया था आपने? सर मैंने 2017 में जून में ज्वाइन किया था। अच्छा, फुल टाइम कोर्स था आपका, लंबा कोर्स था? यस सर। तो कैसे कैसे आपने वहाँ के क्लास को चाणक्य एकेडमी जयपुर सेंटर ने जो दिया है आपको, उसके हिसाब से आपने आपको कैसे सिंक किया, क्योंकि कोचिंग तो बहुत लोग करते हैं।
लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाते है ना। तो आप ऐसे स्टूडेंट जो फ्यूचर में चाणक्य ज्वाइन करते हैं या कहीं भी ज्वाइन करते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि कोचिंग का इस्तेमाल आपने कैसे किया और दूसरों को कैसे उसके लिए सलाह देंगे? सर, कोचिंग एक बहुत अच्छा जरिया है उनके लिए जो एकदम फ्रेशर हैं, जिनको किसी भी तरह का पहले से गाइडेंस नहीं है। लेकिन कोचिंग के साथ साथ हमें अपनी स्ट्रेटजी पर भी पूरा ध्यान देना होता है। जैसे कोचिंग में हमें जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं उन्हें घर आके अच्छे से रिवाइज करना, एक स्टैंडर्ड बुक्स में से उनको वापस से रिपीट करना ताकि हमें और क्लैरिटी मिले और हम पूरा और जो भी छूट गया वो भी कवर हो जाए। तो हम कोचिंग पर पूरी तरह डिपेंडेंट ना रहें कि कोचिंग ही हमें सब कुछ करा देगी, हम अपने से भी अपनी तैयारी को लेकर चलें। तो अपनी बुक से भी पढ़ते रहें, और कोचिंग का तो डेफिनेटली अच्छा रोल है ही, इसके अलावा मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मॉक टेस्ट में हमें पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारी तैयारी सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है, हम जो पढ़ रहे हैं उसी तरह का पेपर में पूछा जाता है क्या, तो उससे एक बहुत अच्छा डायरेक्शन मिलता है। हमारे जितने भी सेंटर हेड्स में हैं उनमें से जो आपके जयपुर के सेंटर हेड है हमारी मनीषा भारद्वाज, काफी डायनेमिक है, स्टूडेंट से काफी इन्वॉल्व रहती हैं, तो उनके साथ कैसा इंटरेक्शन रहा आपको और बाकी टीचर के साथ, उसका एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करिए। सर, मनीषा मैम बहुत अच्छे से हमें गाइड करती थी, कभी भी कोई प्रॉब्लम के लिए जाते थे तो वो सुनते थे, और कोई भी टीचर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, टाइमिंग से रिलेटेड हो, तो हमेशा वो हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते थे। और इसके अलावा टीचर्स ने हमेशा गाइड किया, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स थे जिन्होंने हमें पूरी डायरेक्शन, वो हमें टाइम टेबल भी बना के देते थे इतनी बार कि आप इस तरह से पढ़िए, ये वाला आप मैगजीन पढ़िए, ऐसे में टेस्ट सीरीज दीजिए, आप इस तरह से करिए। तो एक पूरा धीरे धीरे इतना अच्छा गाइडेंस मिलने लगा, फिर हमें पूरी क्लैरिटी आ गई 3-4 महीने के अंदर कि किस तरह से आगे जाना है। चलिए, इस बात को जान के मुझे काफी खुशी हुई, बीइंग द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मुझे खुशी है कि जयपुर की मैनेजमेंट, उनके सेंटर हेड और आप टीचर्स ने, सब ने, स्टाफ ने आपकी काफी हेल्प करी, और ये अप्रिशिएशन हम लोग के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट ही होता है जब स्टूडेंट्स कहें कि हमें इसका फायदा, और आपने पहले अटेम्प्ट में ही हम सबको लिए गर्व का कारण बन गए आप, दैट इज वेरी वेरी गुड। Your parents are proud of you, family is proud, we are also highly proud of you. Okay, very good. Thanks, man. स्टार्टिंग का जो प्रोफेसर आपने कोचिंग की बात बताई थी, सपोर्ट बताया, लेकिन कोई तो ना अपने रिसोर्सेज को पुल करना, कि बहुत सारी किताबें होती, स्टूडेंट्स बिखर जाते हैं उसमें कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो इस चीज को आपने कैसे अपने आप को बैलेंस किया कि आप या फोकस किया, ये थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिए। सर, पहले किसी से भी पूछते थे, हम अलग अलग टीचर्स से पूछते थे, तो हर किसी का अपना व्यू है, तो हमें अलग अलग बुक्स का पता चलता था। हिस्ट्री के ही हमें 4 बुक्स पता लग गए, और हम सबको तो पढ़ नहीं सकते, तो इसमें अच्छा ये रहेगा हम किसी एक सोर्स पर, जिसको सबसे ज्यादा लोग बोल रहे हैं, टॉपर्स बोल रहे हैं, तो उसको हम खरीद लें और उस एक सोर्स पर ही अपना पूरा ध्यान दें। मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ने से अच्छा है कि हम एक सोर्स को ही मल्टीपल बार पढ़ें, और ताकि हमारा रिवीजन बार बार हो और अच्छे से हम उसको याद रख सकें। तो सोर्स को हम लिमिट में रखें और उनको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें, ये हमारी स्ट्रेटजी इसमें होनी चाहिए। और फिर जब आपके पास एक अच्छी कोचिंग है तो नेचुरली आपके पास क्लास नोट्स हैं, मटेरियल हैं, तो उसके साथ साथ में जो रेफरेंस बुक है उसको कर, इसमें एनसीईआरटी बुक्स को भी आपने अपने रेफरेंस के लिए रखा पढ़ाई की? सर, एनसीईआरटी सभी सब्जेक्ट्स के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स जो हमारे नए ऐड हुए थे, तो वो छोटे सब्जेक्ट से 20 मार्कर्स, तो उनके लिए कुछ हमने एनसीईआरटीज पढ़ी, बाकी हमें एनसीईआरटीज पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा फोकस हमने नहीं किया उस पर। ओके, एक करंट अफेयर्स का बड़ा इम्पोर्टेंस होता है एग्जाम के अंदर में, तो अखबार में तो बहुत सारी चीजें आती है, स्टूडेंट को ये भी कंफ्यूजन रहता है, आपको भी रहा होगा, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ये हमारे लिए क्या रेलेवेंट है, तो उस चीज को कैसे सॉर्ट आउट किया आपने?
सर ये आरपीएससी जो एग्जाम लेती है ये बहुत ज्यादा करंट ओरिएंटेड तो नहीं होते हैं, जैसे 150 क्वेश्चंस हमारे आते हैं प्री में, तो उसमें हार्डली 15 क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स के, तो 10% पोर्शन है उसका। तो मुझे लगता है कि उसके लिए डेली अगर हम न्यूज़पेपर को 2 घंटे दें तो ये कुछ ज्यादा उसको देना होगा। तो इसमें क्योंकि करंट अफेयर्स की डिमांड कम है तो उसके हिसाब से हम मंथली मैगजीन्स आती हैं राजस्थान की स्पेशली, तो उनको पढ़ सकते हैं, तो उसको पढ़ना सफिशियंट रहेगा क्योंकि इतनी नीड नहीं है इस एग्जाम में करंट अफेयर्स की, ना प्री में ना मेंस में। ओके, ज्यादा जो है कंटेक्चुअल क्वेश्चंस या सब्जेक्ट यस ओरिएंटेड सर, होंगे, बट यस फिर सर, भी कोई अपनी कमीशन ट्रेन चेंज करती रहती है जिससे यस सर, करंट का रेलेवेंस को नजरअंदाज तो नहीं करना चाहिए, मान नो सर, लीजिएगा। डेफिनेटली नॉट। हाँ, तो उसके लिए इम्पोर्टेंस के लिए कोई एक नेशनल डेली और स्टेट के लेवल की डेली को एक कम से कम लगातार पढ़ते रहें, और सिलेबस ही आपका आधार होता है। मैं आपके भी आपके बिल्कुल कहना सर, चाहूंगा कि जो कुछ क्या इम्पोर्टेंट है न्यूज़पेपर में उसका आधार ही आपका सिलेबस है। सिलेबस रिलेटेड जो न्यूज आ रहे हैं वो आपके काम के होंगे, वो इन्फॉर्मेशन एनालिसिस को गैदर करते रहे। बिल्कुल सर, एक प्री और मेंस दोनों की जो प्रिपरेशन होती है आपके हिसाब से, वैसे तो आप फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट चाणक्य हम रही हैं, तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन आपने किया है, लेकिन यस ओवरऑल सर, अपने एक्सपीरियंस से आप बताइए कि स्टूडेंट को जो पहली बार स्टार्ट करने जा रहे हैं तो प्री और मेंस दोनों को कैसे बैलेंस करके चलना चाहिए। सर शुरू में हम क्योंकि हम 1 ईयर पहले एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो शुरू में हम इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चल सकते हैं जिसमें हम प्री और मेंस दोनों का पढ़ें, फैक्ट पर भी ध्यान दें और कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान दें। लेकिन जैसे ही प्री पास आता है, 2-3 महीने बचते हैं, 4 महीने बचते हैं, तो उसमें हमें चाहिए कि हम प्री पर पूरी तरह से फोकस्ड हों, फैक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दें, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दें। तो उस टाइम हमें अपनी प्री ओरिएंटेड पढ़ाई कर देनी चाहिए 3-4 महीने पहले, और फिर देन मेंस में हमें मेंस ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए। बेसिकली स्टार्ट की प्रिपरेशन में एक ऐसे भी एक समय जो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन प्री और मेंस, क्योंकि सिलेबस काफी कॉमन है और अप्रोच का थोड़ा फर्क होता है, तो आपने बिल्कुल सही बताया कि दोनों को, लेकिन वेन यू आर क्लोज टू एग्जाम चाहे प्री हो मेन्स से, तो उसका आपका ओरिएंटेशन प्री और मेन्स पर फोकस्ड होना चाहिए। अब आपने प्री और मेन्स के ओरिएंटेशन की बात करी, तो आप थोड़ा सा स्पेसिफिकली कुछ प्री के लिए बताइए जो बेसिक टिप्स आप स्टूडेंट को देना चाहेंगे कि प्री में क्वालिफाई करने के लिए, आपने पहली अटेम्प्ट लिया, पहली बार ही क्वालिफाई कर गई, मेन्स भी क्वालिफाई किया, इंटरव्यू किया, तो आपसे ये जानना जरूरी है कि प्री में कुछ बेसिक चीजें जो ध्यान रखनी चाहिए वो क्या है। सर सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हमें बार बार देखने चाहिए, और हमें थ्रू आउट द प्रिपरेशन ये क्वेश्चंस बार बार देखने चाहिए ताकि हमें एक पता चलता रहे कि प्री में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आरपीएससी का ट्रेंड क्या है। तो उसमें हमें एक पूरा आइडिया मिल जाता है कि हमें हमारी तैयारी किस हिसाब से करनी है। और सेकंड थिंग, हमें मॉक टेस्ट पर पूरा फोकस करना चाहिए उस टाइम, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दें, हर हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट दें, 1 मॉक टेस्ट जितना भी हम कर पाए कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उतने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दें, और उससे हमारी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा सॉलिड होगी। बहुत ही बढ़िया, तो उसमें एक्चुअली जितने अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, उतने आपकी क्लियरिटी यस बढ़। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाने के बाद भी बहुत सारी गलतियां हो जाती है, राइट? आपके सर, पास यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है प्री में, तो इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए कैसे क्या करना चाहिए। सर इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमने पहले बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हों, क्योंकि हर मॉक टेस्ट में जब हम मॉक टेस्ट देना शुरू करते हैं प्री में, तो हम देखते हैं कि 10-20 क्वेश्चंस जो हमें आते थे सिली मिस्टेक्स की वजह से हमारे गलत हो गए। तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि हमें सारा सर्किल अच्छे से करना चाहिए, और ट्रू और फॉल्स, नॉट ट्रू, ये सारे वर्ड्स पे हमें ध्यान देना चाहिए, और ये सारा प्रैक्टिस से होगा। इसके अलावा हम पेपर में जाने से पहले कुछ अपने बुलेट पॉइंट्स बना लें कि हमें इन इन चीजों का पेपर में ध्यान रखना है, तो हम स्पेशली उनका ध्यान रखेंगे तो वो मिस्टेक्स फिर हमारे एग्जाम में तो नहीं होंगी। और टाइम मैनेजमेंट एंड सब एक्यूरेसी जो है वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है कि कितने आप एक्यूरेट इसके अंदर में हो पाते हैं। एंड यदि आपको पूछे मेंस का डिफरेंस जो जो प्री के और मेंस में एक फंडामेंटल डिफरेंस क्या एग्जाम है, तो क्या बताएंगे? सर प्री इज ऑल अबाउट फैक्ट्स, तो उसमें हम फैक्चुअल नॉलेज काम आता है, और मेंस में ये अगर हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है तो उसमें हमारा ज्यादा है, और इसमें आंसर राइटिंग की जो हमारी टेक्निक्स हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, वो बहुत ज्यादा काम आती हैं। अगर हमको बहुत ज्यादा पता भी है लेकिन हम उसे अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो मेंस में वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा। तो ज्यादा से ज्यादा हम प्रेजेंट कैसे करें, और आंसर राइटिंग की जो आर्ट है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। वो डेवलप करना लिखने की प्रैक्टिस, वो बिल्कुल आपके बिल्कुल लिए सर, तो
इसके लिए तो आप लोगों को काफी वहां सेंटर में प्रैक्टिस भी कराया गया उसके हिसाब से। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ, तो अब ये इसके साथ साथ में मेगा आप एक टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है स्टूडेंट को कि कितना पढ़ना चाहिए, कितने देर पढ़ना चाहिए। तो आपका अपने खुद का एवरेज वर्किंग आवर कोचिंग घर में इसको मिला के कैसे आपने मैनेज किया? सर कोचिंग हमारी 5 to 6 hours चलती थी, उसके बाद हम 6 hours घर पर भी देने का ट्राई करते थे क्योंकि कोचिंग का पूरा रिवाइज करना और उसको बुक्स में से पढ़ना तो इतना टाइम टेकिंग वो हो जाता था। इसके अलावा लेकिन हर किसी की कैपेसिटी बराबर नहीं होती है, तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो पढ़ें और साथ के साथ अपने आप को थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करते रहें ताकि ये बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं हो और थ्रू आउट लॉन्ग जर्नी आप एनर्जेटिक बने रहें। आपने एंटरटेनमेंट की बात की, इसका मतलब है रिलैक्स करते रहना है, अपने को मोटिवेटेड रखना है। तो आपने अपने आप को कैसे रिलैक्स किया? आपने टाइम मैनेजमेंट में सोना, उठना, बाकी रूटीन, कुछ एंटरटेनमेंट रिलैक्सेशन के लिए कैसे मैनेज किया आपने? सर मैं अपने रिलैक्स के लिए कभी कभार हम गेम्स खेलते थे शाम के टाइम, बैडमिंटन खेलते थे और सॉन्ग सुनते थे हम एनर्जेटिक। हम दोस्त हमारे दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करना, फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप डिस्कशंस, तो ये सारी चीजें हमें मोटिवेटेड रखती हैं। मोटिवेशनल स्पीच सुनना यूट्यूब पर, तो ये सारी चीजें हमें मोटिवेटेड रखती हैं और इसी के थ्रू मैंने अपने आप को मोटिवेट किया। वेरी गुड। तो एक वर्ड आपने कहा, हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। प्रिपरेशन आपने 2017 में की शुरुआत है ना? यस सर। 2021 में आप आकर के आपको रिजल्ट मिला, मतलब 18 का एग्जाम दिया, फिर वेट किया आपने सारा मिला करके। तो आप इस 3-4 साल लगातार मोटिवेट करते कहते हैं हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, तो उसके बारे में आपकी क्या मोटिवेशनल फैक्टर रहा? सर सबसे पहले तो ये इतनी लॉन्ग जर्नी है कि हमें डीमोटिवेशन फील होता ही होता है, हम इससे बच नहीं सकते। कई बार हमें लगता है इतना लंबा टाइम हो गया, नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम नेगेटिविटी से एकदम दूर रहें। जो भी लोग नेगेटिव हैं और डीमोटिवेट करते हैं उनसे हम एकदम अपनी दूरी बनाए रखें। इसके अलावा हम ऐसे दोस्तों के साथ रहें जो ऑप्टिमिस्टिक हों, जो पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करते हों, इन्जॉय के टाइम इन्जॉय करते हों। और इसके अलावा हम अपने पेरेंट्स से लगातार बात करते रहें क्योंकि वही हमारा सबसे अच्छा चाहते हैं, तो हम उनसे बात करके अपने आप को मोटिवेटेड फील कराएं। और सेल्फ मोटिवेशन तो बेस्ट है सर, अगर हम अपने अंदर से मजबूत हैं और हमने सोच लिया है कि नहीं हमें करना है और हमें हिम्मत नहीं हारनी है, तो ये सबसे बेस्ट है। नेचुरली ये जो उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, कोई उसकी मुकाबला हो सकता है कि आपकी सेल्फ मोटिवेशन कितनी आए उसका। नेचुरली आपका कोई ना कोई जो पर्पस सामने होता है कि मुझे पूरा करना है, तो आपके मोटिवेशन भी हाई रहेगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रही है, राइट? नमस्कार साथियों, मेरा नाम स्वाति है। आरएस 2018 की परीक्षा में एससी महिला श्रेणी में मैंने 7वीं रैंक हासिल की है। ये मेरा पहला प्रयास था। अपनी सफलता का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स, अपने भाइयों, गुरुजनों और अपने फ्रेंड्स को देना चाहूंगी। मेरी इस सफलता में चाणक्य आईएएस एकेडमी का बेहद बड़ा योगदान रहा। मेरी इस सफलता के तीनों ही चरण प्री, मेंस और इंटरव्यू, तीनों में ही चाणक्य एकेडमी ने और वहां के स्टाफ ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। मेगा, इंटरव्यू का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है ना उसके जीएस करने के लिए। तो जब आपके कॉल आया तो आपने कैसे तैयारी शुरू करी और क्या एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब आपके पास रिजल्ट, आपको उम्मीद थी मेंस में कि क्वालिफाई करने जा रही है और इंटरव्यू की तैयारी करनी है? यस सर, ये तो मैं श्योर थी, मेंस तो मेरा क्लियर होगा ही होगा। तो मेंस का रिजल्ट जैसे ही आया तो मैंने अगले ही दिन से अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर दी। तो इसके लिए मैंने ज्यादा से ज्यादा मॉक इंटरव्यूज दिए और मिरर प्रैक्टिस मैंने किया। तो और ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करना, उसमें सर बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस करना होता है। तो मैंने ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करना, मम्मी पापा को इंटरव्यूज दिए, अपने दोस्तों को इंटरव्यूज दिए, मॉक इंटरव्यूज दिए, तो ये पूरी मेरी स्ट्रेटजी रही इंटरव्यू के लिए। हमने एक इंटरेक्टिव सेशन भी ऑनलाइन किया था सब बच्चों के लिए, आप उसको ज्वाइन करने का मौका मिला था मेरे साथ आपको? यस सर मैंने देखा था सर, वो भी ललित परवार साहब और हम दोनों मिलकर के। बिल्कुल सर, मैंने पूरा ज्वाइन किया था वो। मुझे याद भी, इसलिए तुमने वहाँ डिस्कशन में भी इसलिए ध्यान चला गया कि उसका जो है
तो आपने मिरर की बात करी, तो मैंने इस पर रॉन्गली कहा था मिरर की प्रैक्टिस आप लोग इसका करें। यस सर, यस सर। अच्छा, अब इसमें जो आप जो जब एक्चुअली मॉक इंटरव्यू में गए, जब इंटरव्यू गए आरपीएससी में, चेयरमैन कौन थे और कैसे आपकी इंटरव्यू हुई, थोड़ा सा कुछ सिचुएशन वहाँ के बारे में शेयर कीजिए। सर जब इंटरव्यू के लिए जा रहे थे तो बहुत ज्यादा डर था कि अंदर माहौल कैसा होगा और बहुत ज्यादा प्रेशर ना हो, लेकिन जैसे ही अंदर गए तो वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा कॉर्डियल था, पूरा पैनल बहुत कॉर्डियल था और उन्होंने बिल्कुल फील नहीं होने दिया कि आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं। बहुत ज्यादा जेन्युइन कन्वर्सेशन वहाँ पर चली और उन्होंने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पूछे और मुझे उस टाइम बिल्कुल भी डर नहीं लगा। बहुत बढ़िया। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको पूछे गए और जहाँ आपको लगा कि मैं थोड़ा हेल्ड अप हो गई हूँ जो आपने निकला, तो वो क्या था क्वेश्चंस, कुछ था ऐसा? सर क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे थे और क्योंकि मैंने बहुत लंबी, हमें बहुत ज्यादा टाइम मिला, हमें लगभग 10 महीने का टाइम मिला रिजल्ट के बाद, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी थी, तो ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम इंटरव्यू में नहीं हुई और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। वेरी गुड, आपने नंबर भी अच्छे लिए, 70% आपको नंबर भी मिले, दैट इज वेरी गुड। यस सर, 70 out of 100, दैट इज वेरी वेरी नाइस। मेगा, आने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो काफी डरे होते हैं, लगता है कि हमारा बैकग्राउंड नहीं, ये चीजें पहले जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो उनके लिए सक्सेस का कारण बने? सर मैं उन्हें यही बोलूंगी कि आप इस एग्जाम में अगर आ रहे हैं तो पूरी तरह से दृढ़ निश्चय से आए और बिल्कुल भी बीच में परेशान ना हो कि इतना लंबा सफर है क्या होगा, अपने आप को बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें और सबसे अच्छी चीज है आप पॉजिटिव लोगों के बीच में रहें और अच्छा अपना सर्किल हो, पढ़ने वाला हो, खूब सारे मॉक टेस्ट दें और अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। वेरी गुड। अब ऑफिसर बन गई हैं, आप पुलिस सर्विस में जा रही हैं, आपके yes, दिमाग में कुछ होती है कि दिमाग में कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाता है कि मैं जब पुलिस सर्विस में जा रही हूँ राजस्थान में तो मेरे एरिया ऑफ फोकस ही होगा, ऐसा कुछ है आपके दिमाग में? यस सर, सर मैं सबसे ज्यादा फोकस वुमेन सिक्योरिटी पर, मेरा बहुत ज्यादा इस पर फोकस रहेगा और मैं चाहूंगी कि जहां पर भी मैं काम करूं वहां पर एक निर्भयता का माहौल बना सकूं कि वहां सारी लड़कियां निडर होकर चल सकें और मैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से भी कुछ सिस्टम को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करूं, तो मेरा एरिया ऑफ फोकस वुमेन सेफ्टी रहेगा। वेरी गुड, मुझे पूरी उम्मीद है मेगा, और जैसे मैं कि आगे भी आप आईएएस बन के भी मेरे साथ इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलेगा आपको, क्योंकि जिस तरह से आप आर्टिकुलेशन क्लैरिटी और आप यूपीएससी भी देना चाहती हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी वन ऑफ द टॉपर्स में होंगी, ऐसा है। Thank you, आप जुनून को बनाए रखिएगा, बहुत अच्छा आपसे बात करके अच्छा लगा, मुझे उम्मीद है कि आपके साथ जो डिस्कशन हुआ है आने वाले स्टूडेंट्स को काफी लाभ पहुंचेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.